अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों पहली वीडियो में मैंने बताई थी काली गोली जो हम बनाते हैं, मजून बनाते हैं वो। तो दोस्तों अब उसी मजून के साथ जो पानी इस्तेमाल करवाना है वो ये पानी है कि आप लोगों ने पहले चीज़ें नोट कर लेनी है और वीडियो को एंड तक देखना है। तो दोस्तों पहले आपने क्या करना है कि जंगली पुदीना आपने 10 ग्राम ले लेना है, उसके बाद आपने सफ़ेद संदल ले लेनी है 10 ग्राम। इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल बारीक पाउडर पीस लें, बिल्कुल बारीक बारीक पाउडर, जैसे पाउडर बन जाता है, जैसे कि समझो कि आटा, आटे की तरह आपने इसको बिल्कुल दोनों चीज़ों को अलग अलग खुश्क करके बिल्कुल पीस देना है। पीस के पाउडर बना के फिर आप लोगों ने क्या करना है कि अब रेशम ले लेनी है। अब रेशम आपने 20-25 रुपए की अब रेशम ले लें, उसमें से आपने इस्तेमाल करवाने सिर्फ 2 दाने हैं। तो दोस्तों ज़्यादा लेने से अभी आप जाओगे पंसार की दुकान पे तो उधर से 2 तो नहीं ले आओगे ना, तो 20-25 रुपए की आप लोग ले आइए, बिल्कुल इजी और सस्ती है। तो दोस्तों अब इसका इस्तेमाल करने का मैं तरीका आपको बताता हूँ कि ये जो आपने इस्तेमाल कैसे करना है। आपने इन दोनों इन चीज़ों का पाउडर बना लिया, आपने जंगली पुदीने का भी पाउडर बना लिया आपने और सफ़ेद संदल का भी, और जिसमें आपने अब्रेशम इस्तेमाल करने आप लोगों ने, तो अब्रेशम बिल्कुल नहीं पीसनी। इसके अंदर का कीड़ा होता है जो इसको काट के आपने, ये जैसे अंडे की तरह होता है, ये कपड़े शेप अंडे की होता है और होता है कपड़े की तरह है। तो ये अब्रेशम आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल स्क्रीन पर आ रहा है, तो इसको काट के इसके अंदर वाला जो कीड़ा है वो आप लोगों ने निकाल देना है, कीड़ा फेंक देना है, और इसकी वो बाहर वाली जो जिल्द है आप लोगों ने वो इस्तेमाल करें। तो दोस्तों आपने पहले तो आप लोगों ने जैसे 9 बजे मैंने बताया है अगली वीडियो में, पहली वीडियो में पार्ट 1 में, नुस्खे की पार्ट 1 में बताया कि 9 बजे आप लोगों ने काले चने के बराबर 10 सीसी सादे पानी के साथ आप लोगों ने वो काली गोली देनी है। तो आप लोगों ने कार्टून में कबूतर बंद कर लेने हैं, कार्टून में कबूतर बंद करके फिक्स 12 बजे रात को ये वाला पानी आपने जो बनाया होगा। इस पानी बनाने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक ये दोनों सफ़ेद संदल और जंगली पुदीना आपने पीस के 10-10 ग्राम बिल्कुल मिक्स करके साथ में इनको इकट्ठा कर देना है। तो इनमें से एक चाय वाली चम्मच आपने एक पाव पानी में बिल्कुल भिगो देनी है, ज़्यादा नहीं, एक पाव पानी में, और उसमें आप लोगों ने 2 अब्रेशम के दाने डालने हैं, 2 दाने अब्रेशम के। तो ये मिट्टी का कोई बर्तन होना चाहिए या कोई घड़ा, उसी में ये आपने पुसा के रख देना है। ये दिन को आपने पुसाना है और ये देना रात को, ये बाजी वाली रात का ये पानी है, और वो जो काली गोली बताई थी मैंने मजून वो भी बाजी वाली रात को ही देनी है। तो दोस्तों ये मैं जो आपको नुस्खा बता रहा हूँ ये बिल्कुल मेरा आजमूदा है और हर शौक में मैं ये बिल्कुल इस्तेमाल करता हूँ, ना इसमें कोई छेड़छाड़ करता हूँ दूसरी। हाँ गर्मियों के मुतालिक जैसे कि अभी जो गर्मियाँ आ रही हैं, पहले जो अब ये सीज़न चलेगा 4 महीने में जो शौक उड़ेंगे दोस्तों के, तो उनमें ये गोलियाँ जो हैं जो मैं डाल रहा हूँ वो इसी मकदार से आएंगी, क्योंकि ये 4-5 महीने 6 महीने में बिल्कुल गर्मियाँ होती है। तो उसके बाद जब आप 7-8 महीने में शौक करेंगे तो उसमें थोड़ी मेडिसिन की चेंजिंग होगी, तो उसमें थोड़ी मेडिसिन की चेंजिंग होगी, थोड़ी ज़्यादा होगी मेडिसिन, और वो देने का तरीका भी थोड़ा अलग होगा। तो उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो मसला नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल ये मेरा आजमूदा है, आप लोगों ने तैयारी बिल्कुल अच्छे से की हो कबूतरों की, तो इंशाल्लाह आपके 10-11 बजे वाला कबूतर बिल्कुल शाम तक उड़ेगा इसी नुस्खे से। तो ये पट्टी वाले कबूतरों का बेहतरीन और बेस्ट नुस्खा है। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि हमारी हर वीडियो आप लोगों तक जल्द पहुंचे, क्योंकि हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वही चीज़ आप लोगों को बताएंगे इंशाल्लाह, तो इसमें और कोई चीज़ नहीं बताएँगे। तो हमारे साथ तो जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूँ वो खुदा को हाजिर नाजिर समझ के बिल्कुल जो मेरी आजमूदा चीज़ें हैं वही मैं इस्तेमाल करता हूं। तो दोस्तों इसमें कोई चीज़ फेक नहीं है, आप लोग इनको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आप लोगों को रिज़ल्ट मिलेगा। मेरे चैनल का नाम है पाकिस्तानी कबूतरबाज, तो दोस्तों वो आप लोग देखें, उधर विज़िट करें, उधर प्रोफाइल पर जो तस्वीर लगी हुई है 3 मेरे कबूतर हैं अपने, जो उनकी कबूतरों 3 कबूतरों की तस्वीर लगी हुई है, सफ़ेद कबूतर हैं पट्टी वाले, काली आंख से मकोए। तो दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बाजी से वापस कबूतरों की संभाल के बारे में बताएंगे।
तो हमारे साथ टच रहिए और दोस्तों तक ये शेयर करें कि आप लोग कम आधी वीडियो देखते हो और बोलोगे यार आपने दवाई अच्छी नहीं बताई। तो ये इस तरीके से जैसे मैंने बताई है काली गोली बनाने के उपयोग पहली वीडियो में बताई है और इसमें मैंने बताया है कि ये पानी कैसे इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आप